नमस्कार, मैं प्रज्ञा धरधर, 30 खबरों में आपका स्वागत है। चलिए जानते हैं देश प्रदेश के अब तक की प्रमुख खबरों को। बिहार की दो महिलाएं मंगोली रैली में शामिल हुई हैं। बता दें कि रैली दुनिया की सबसे साहसिक रैलियों में से एक है। इनमें से एक का नाम अनुभा वर्मा और एक का नाम मनीषा मिश्रा है। इन दोनों ने ही अपनी साथी पूजा शर्मा के साथ दो महीने में 33 देशों में 31,000 किलोमीटर की दुर्गम यात्रा की। बता दें कि पूजा ब्रिटेन के निवासी है। ऐसे में अब भारत की पहली टीम बन चुकी है जिन्होंने मंगोल रैली पोल्स ऑफ इनकन्वीनियंस 2023 में भाग लिया है। फ्रांस में मानव तस्करी के संदेह में पेरिस के पास एक हवाई अड्डे पर 3 दिन से रोकी गई फ्लाइट सोमवार को उड़ान भर सकेगी। प्लेन में 303 यात्री सवार हैं, जिनमें से ज्यादातर भारतीय हैं। रविवार को फ्रांसीसी समाचार प्रसारण टेलीवीजन और रेडियो नेटवर्क BFM टीवी ने इस बारे में जानकारी दी। स्थानीय मीडिया ने बताया कि विमान को जाने की अनुमति देने के बाद फ्रांसीसी न्यायाधीशों ने प्रक्रिया में अनियमितताओं के कारण 300 से अधिक यात्रियों को रोके जाने के मामले की सुनवाई रोक दी है। BSEB बिहार बोर्ड इंटरमीडिएट वार्षिक प्रैक्टिकल परीक्षा 2024 के प्रवेश पत्र जारी कर दिए हैं। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की 12वीं प्रैक्टिकल परीक्षा में भाग लेने वाले अभ्यर्थी अपने संबंधित विद्यालय से प्राचार्य विद्यालय प्रधान के माध्यम से अपने एडमिट कार्ड प्राप्त कर सकते हैं। इंटरमीडिएट वार्षिक परीक्षा 2024 के प्रैक्टिकल 10 जनवरी 2024 से 20 जनवरी 2024 तक आयोजित की जाएगी। प्राइवेट परीक्षा के एडमिट कार्ड समिति की वेबसाइट seniorsecondary.biharboardonline.com पर जाकर डाउनलोड किए जा सकते हैं। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सौरभ भारद्वाज ने उत्तरी दिल्ली में बुरारी के एक अस्पताल में महिला संविदा कर्मचारियों के साथ छेड़छाड़ और उत्पीड़न के आरोपों की जांच के लिए एक जांच समिति गठित करने का मुख्य सचिव को निर्देश दिया है। पुलिस के मुताबिक बुरारी सरकारी अस्पताल में अनुबंध के आधार पर सफाई कर्मचारी के रूप में काम करने वाली एक महिला ने अपने प्रबंधक और 3 पर्यवेक्षकों पर उसके और 2 अन्य कर्मचारियों से छेड़छाड़ करने और उनका उत्पीड़न करने का आरोप लगाया है। जेडीयू के द्वारा बिहार की राजधानी पटना में प्रस्तावित कर्पूरी जयंती कार्यक्रम को स्थगित कर दिया गया है। बता दें कि यह कार्यक्रम 24 जनवरी 2024 को पटना के वेटरनरी कॉलेज मैदान में आयोजित किया जाने वाला था। वहीं अब इस कार्यक्रम को स्थगित करने को लेकर बिहार प्रदेश अध्यक्ष उमेश सिंह कुशवाहा के द्वारा सवाल का जवाब देते हुए कहा गया कि इस कार्यक्रम को ठंड की संभावना को ध्यान में रखते हुए स्थगित कर दिया गया है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने मिमिक्री विवाद पर अफसोस जताते हुए कहा कि उन्हें पीड़ित जैसा महसूस होता है। रविवार को जगदीप धनखड़ ने कहा कि एक पीड़ित व्यक्ति जानता है कि हर चीज को अंदर से कैसे झेलना है। जगदीप धनखड़ ने खुद को एक पीड़ित बताया और कहा कि उन्हें पता है कि कैसे अपमान को सहना है। जगदीप धनखड़ की टिप्पणी तृणमूल कांग्रेस के सांसद कल्याण बनर्जी द्वारा अपनी मिमिक्री करते देखे जाने और विवाद पैदा होने के कुछ दिनों बाद आई है। रेलवे बोर्ड ने पटना गया रेलखंड पर 3 रेलवे अंडरपास और 3 RCC रैम फुट ओवरब्रिज का निर्माण की स्वीकृति दे दी है। रेलवे एक अंडरपास यानी सीमित ऊंचाई वाला सबवे के निर्माण पर अपने हिस्से का 6,34,49,000 करोड़ रुपए तथा एक RCC रैंप वाला फुट ओवरब्रिज के निर्माण पर 3,19,00,000 खर्च करेगी। सांसद रामकृपाल यादव ने बताया कि कुल 28.611 करोड़ की लागत से पटना गया रेलखंड के नथुपुर रोड, कुरथौल धनुचक और महुली में अंडरपास तथा परथु पोटही गुड़पतिचक नंदवा और भलुआ में RCC रैंक वाला फुट ओवर ब्रिज का निर्माण किया जाएगा। बॉलीवुड सुपरस्टार शाहरुख खान की फिल्म डंकी की कमाई में रविवार को 30% के करीब उछाल आया। सिनेमाघरों में 21 दिसंबर को रिलीज हुई इस फिल्म को बॉक्स ऑफिस कलेक्शन इसी के साथ 100 करोड़ के पार पहुंच गया है। तापसी पन्नू और विकी कौशल स्टारर इस फिल्म को। हालांकि प्रभास की फिल्म सलार ने कांटे की टक्कर दी है, लेकिन फिर भी बादशाह खान का जादू आखिरकार नजर आने लगा है। बिहार के सरकारी स्कूलों में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित करने का अभियान चला रहे शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव KK पाठक ने नया फरमान जारी किया है। इस नए आदेश में उन शिक्षकों पर लगाम कसा जा सकेगा जो स्कूल पहुंचने के बाद भी मनमानी करते हैं। पाठक ने एक झटके में सरकारी स्कूलों में चली आ रही वर्षों पुरानी हाजिरी सिस्टम को खत्म कर दिया है। सभी जिला शिक्षा पदाधिकारियों को पत्र जारी कर शिक्षकों की उपस्थिति दर्ज करने का नया पैटर्न सेट कर दिया है। यह अगले साल जनवरी महीने से लागू होगा। नया साल 2024 आने से पहले ही देश के अलग अलग शहरों में सरिया के दाम कम हो गए हैं और इसका हाउस कंस्ट्रक्शन पर आने वाले खर्च में बड़ा हिस्सा होता है। बीते 2 नवंबर 2023 को कानपुर में सरिया की कीमत 47,000 रुपए प्रति टन थी, जबकि 9 दिसंबर 2023 को यह घटकर 46,100 रुपए पर आ गई और अब 22 दिसंबर को इसका दाम और भी घटकर 45,700 रुपए प्रति टन पर आ गया है। राज्य के छोटे पर्यटन स्थलों के दिन जल्द बहुरेंगे। नई पर्यटन नीति लागू होने के बाद यहां पर्यटक की सुविधाएं विकसित की जाएंगे। इसके लिए राज्य सरकार की ओर से अनुदान भी दिए जाएंगे। बिहार की नई पर्यटन नीति बनकर तैयार है। पर्यटन विभाग की ओर से तैयार इस नीति पर उद्योग विभाग ने सहमति दे दी है। इसके जरिए पर्यटन क्षेत्र में होटल रेस्टोरेंट उद्योग को बढ़ावा दिया जाना है। कैबिनेट की मंजूरी मिलने के बाद यह राज्य में लागू हो जाएगा। भारतीय नौसेना की बढ़ती ताकत में एक नया पन्ना जुड़ने वाला है। INS इम्फाल को मंगलवार को औपचारिक रूप से इंडियन नेवी में शामिल किया जाएगा, जिससे हिंद महासागर में चीन की बढ़ती गतिविधियों के बीच भारत की समुद्री क्षमता मजबूत होगी। खास बात यह है कि INS इम्फाल सतह से सतह पर मार करने वाली ब्रह्मोस मिसाइलों से लैस है और यह स्वदेश निर्मित स्टिल्थ गाइडेड मिसाइल विध्वंसक है। यह पहला युद्धपोत है जिसका नाम पूर्वोत्तर क्षेत्र के किसी शहर के नाम पर रखा गया है।
IRCTC ने यात्रियों के लिए नए साल पर अंडमान टूर पैकेज पेश किया है। इस टूर पैकेज को देखो अपना देश के तहत पेश किया गया है। IRCTC के अन्य टूर पैकेजों की तरह ही इस टूर पैकेज में भी टूरिस्टों के रहने और खाने की व्यवस्था फ्री में होगी। गौरतलब है कि IRCTC टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए देश विदेश के विभिन्न टूर पैकेज पेश करता रहता है। टूर पैकेजों में यात्रियों को सस्ते में यात्रा कराई जाती है। इस वक्त पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री और PTI चीफ इमरान खान जेल में तोशखाना मामले में सजा काट रहे हैं। इसी बीच उनका एक वीडियो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर काफी वायरल हो रहा है। हालांकि वायरल वीडियो इमरान खान का AI वर्जन है। इस वीडियो में वो भारतीय सिनेमा के दिवंगत सुपरस्टार राजेश खन्ना के डायलॉग उर्दू में बोल रहे हैं और देश की आवाम से PTI को वोट देने की गुजारिश कर रहे हैं। तुलसी पूजन दिवस हर साल 25 दिसंबर को यानी क्रिसमस के दिन मनाया जाता है। सनातन धर्म में तुलसी पूजन का विशेष महत्व है। तुलसी का संबंध भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी से भी है। तुलसी की पवित्रता को ध्यान में रखकर ही घर में रोजाना इसके सामने दीपक जलाया जाता है। कहा जाता है कि जिस घर में तुलसी का पौधा होता है वहां सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। यही वजह है कि वास्तुशास्त्र में भी इसको खास महत्व दिया गया है। पुणे स्थित नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी के वैज्ञानिकों ने कोरोना के उपस्वरूप JNA को आइसोलेट यानी पृथक करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। इसमें कामयाबी मिलने के बाद इस पर मौजूद टीकों के असर का पता लगाया जाएगा। NIV के अनुसार JNA उपस्वरूप को लेकर विश्व में काफी कम साक्ष्य मौजूद है। अभी तक जीनोम सिक्वेंसिंग और उसे प्राप्त अनुवांशिक चार्ट के अलावा और कुछ नहीं। आइसोलेशन की प्रक्रिया पूरी होने के बाद हमारे पास जीवित वायरस होगा जिसका इस्तेमाल अध्ययनों में कर सकेंगे। अफगानिस्तान पर काबिज तालिबान ने चित्राल नदी पर बांध बनाने के लिए भारत की मदद मांगी है। बांध बनने से 45 मेगावाट बिजली बनेगी और 34,000 हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई हो सकेगी। दूसरी तरफ पाकिस्तान ने बांध के निर्माण को जंग का न्योता करार दिया है। बलूचिस्तान के सूचना मंत्री जान अजकचई ने चेतावनी दी, अगर पाकिस्तान को शामिल किए बगैर तालिबान इस बांध पर आगे बढ़ेगा तो इसे दोनों देशों के बीच जंग की शुरुआत का पहला कदम माना जाएगा। कोरोना वायरस के बढ़ते मामले को देखते हुए विश्व स्वास्थ्य संगठन ने दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्रों के देशों की निगरानी को बढ़ाने की अपील की है। WHO दक्षिण पूर्व एशिया के क्षेत्रीय निदेशक डॉक्टर पूनम खेत्रपाल सिंह ने कहा कि COVID-19 वायरस वैश्विक स्तर पर सभी देशों में विकसित, परिवर्तित और प्रसारित होता रहता है, जबकि वर्तमान साक्ष्य से पता चलता है कि JN1 से सार्वजनिक स्वास्थ्य जोखिम कम है। बॉलीवुड एक्टर प्रोड्यूसर अरबाज खान क्रिसमस के ठीक एक दिन पहले 24 सितंबर को अपनी गर्लफ्रेंड सूरा खान के साथ शादी के बंधन में बंध गए। शादी की तस्वीर शेयर करते हुए अरबाज सूरा ने सोशल मीडिया पर लिखा, हमारे करीबियों की मौजूदगी में मैं और मेरे प्रिय ने आज के दिन से जिंदगी भर का प्यार भरा साथ लिया है। हमारे इस खास दिन पर हमें आपकी दुआओं और आशीर्वाद की जरूरत है। ढेरों सेलिब्रिटीज और फैंस ने अरबाज और सूरा खान को इस मौके पर शुभकामनाएं दी हैं। आज क्रिसमस डे मनाया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट में ऐसे ही एक कार्यक्रम में चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ शामिल हुए थे तो उन्होंने गंभीर बात कही। उन्होंने जस्टिस ने कहा कि कुछ दिन पहले ही हमने हमारे सशस्त्र बलों के 4 जवानों को खोया है। ऐसे में क्रिसमस मनाते समय हमें उन्हें नहीं भूलना चाहिए जो इस कड़कड़ाती ठंड में हमारी और हमारे देश की सुरक्षा करने के लिए बॉर्डर पर खड़े हैं, जो अपनी जान न्यौछावर कर रहे हैं। जश्न मनाते समय हम उनके लिए भी गाएं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंदौर में हुकुमचंद मिल के श्रमिकों के लगभग 224 करोड़ रुपए के चेक आधिकारिक परिस मापक और हुकुमचंद मिल के श्रमिक संघ के प्रमुखों को सौंपे। प्रधानमंत्री वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए कनकेश्वरी मैदान में आयोजित होने वाले मजदूरों का हित मजदूरों को समर्पित कार्यक्रम को संबोधित किया। उन्होंने अपने संबोधन में आगे कहा कि आज का ये कार्यक्रम हमारे कार्यकर्ताओं के सपनों और संकल्प का परिणाम है। नई संसद में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ का अपमान करने वाले तृणमूल कांग्रेस के सांसद कल्याण बनर्जी ने अपनी हरकत दोहराई है। उन्होंने एक बार फिर उपराष्ट्रपति का मजाक उड़ाकर अपमान किया है और कहा है कि वह ऐसा 1,000 बार करेंगे। वहीं उपराष्ट्रपति धनखड़ ने कहा कि वह एक पीड़ित है और अपमान का सामना करना जानते हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर कई ऐप्स उपलब्ध है जिनमें से एक इंस्टाग्राम भी है। दुनिया भर के यूजर्स इंस्टाग्राम ऐप का इस्तेमाल करते हैं। किसी के लिए ये प्लेटफॉर्म एंटरटेनमेंट का जरिया है तो किसी के लिए यहाँ से कमाई करना आसान है। हालांकि इन सब के बाद भी क्यों इस साल 2023 के सबसे ज्यादा डिलीट किए जाने वाले सोशल मीडिया ऐप्स की लिस्ट में इंस्टाग्राम टॉप पर है। अमेरिका के टेक फर्म TRG डाटा सेंटर द्वारा अपनी रिपोर्ट में खुलासा किया गया है कि इंस्टाग्राम का ही थर्ड ऐप एक सप्ताह के अंदर सबसे ज्यादा डिलीट किया गया था। भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के बीच पर्सनल हारमोनी ने दुनिया के 2 सबसे बड़े लोकतंत्रों के बीच संबंधों को और अधिक ऊंचाइयों पर पहुंचा दिया है। बाइडेन ने कहा कि दोनों देशों के बीच की दोस्ती दुनिया में सबसे महत्वपूर्ण दोस्ती में से एक है। अमेरिका और भारत ने रणनीतिक प्रौद्योगिकी साझेदारी को और बढ़ाने के लिए कई प्रमुख समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। आम चुनाव नजदीक आने के साथ ही सरकार ने अपनी निजीकरण की कार्रवाई लगभग रोक दी है और अब शेयर बाजार में अल्पांश हिस्सेदारी बेचने का विकल्प चुना है। कुछ चुनिंदा घरानों का हिस्सेदारी बेचने के विपक्षी दलों के आरोपों के बीच सरकार ने यह कदम उठाया है। भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया और कॉनकॉर्ड जैसी बड़ी निजीकरण योजनाएं पहले से ही ठंडे बस्ते में है। विश्लेषकों का मानना है कि सार्थक निजीकरण अप्रैल मई के आम चुनाव के बाद ही हो सकता है।
आने वाले दिनों में 24 घंटे से कम समय के लिए अस्पतालों में भर्ती होने पर हेल्थ इंश्योरेंस कंपनियां मेडिक्लेम के दावे को खारिज नहीं कर पाएगी। फिलहाल बीमा कंपनियों तभी मेडिक्लेम देती है जब मरीज अस्पताल में सर्जरी या इलाज के लिए 24 घंटे से ज्यादा समय के लिए भर्ती होता है। लेकिन इस नियम को बदले जाने के आसार है और इसे लेकर सरकार ने बीमा क्षेत्र के रेगुलेटर IRDAI के साथ बातचीत शुरू कर दी है। बागेश्वर सरकार के पीठाधीश्वर आए दिन अपने बयानों को लेकर चर्चा में रहते हैं। एक बार फिर उन्होंने ऐसा कुछ कहा कि चारों ओर चर्चाओं का बाजार गर्म हो गया है। इस बार धीरेन्द्र शास्त्री ने अपनी शादी कब करने को लेकर खुलकर बात की है। धीरेन्द्र शास्त्री अपनी शादी के सवाल पर बड़ा जवाब दिया है। धीरेन्द्र शास्त्री ने बात करते हुए कहा कि वे जल्द ही सेहरा पहनेंगे और शादी करेंगे। व्हाट्सएप मैसेज को एडिट करने वाले फीचर का यूजर्स को काफी इंतजार था। कंपनी ने आखिरकार इसे रोल आउट कर दिया है। इस फीचर की मदद से यूजर भेजे गए मैसेज को लिमिटेड टाइम के अंदर एडिट कर सकते हैं। इसकी मदद से मैसेज में हुई गलती को सुधारा जा सकता है। एडिट किए गए मैसेज के आगे एडिटेड का टैग भी दिखता है, जिससे रिसीवर को यह पता चल जाता है कि सेंडर ने इस मैसेज को सेंड करने के बाद एडिट किया है। ओलंपिक पदक विजेता पहलवान साक्षी मलिक ने कहा कि उन्होंने भारतीय कुश्ती महासंघ की नवनिर्वाचित संस्था या इसके प्रमुख संजय सिंह के निलंबन के बारे में लिखित में कुछ नहीं देखा है। WFI के पूर्व अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह के सहयोगी संजय सिंह को भारतीय कुश्ती संघ का नया अध्यक्ष चुने जाने को लेकर साक्षी और बजरंग पुनिया जैसे स्टार पहलवानों के विरोध के बाद केंद्रीय खेल मंत्रालय ने रविवार को बड़ा फैसला लेते हुए WFI को निलंबित करने का फैसला लिया था। जम्मू कश्मीर में जगह जगह पर भारतीय सेना के जवानों को तैनात किया गया है। राजौरी और पूंछ में लगातार तीसरे दिन मोबाइल इंटरनेट सेवाएं निलंबित है। सेक्टर में विशेष रूप से डेरा की गली और बफरियाज के वन क्षेत्र में हवाई निगरानी बढ़ाने और जमीनी तलाशी अभियान तेज करने सहित आतंकवाद विरोधी अभियान छठे दिन में प्रवेश कर गया है। सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे सोमवार को सेक्टर का दौरा करने के लिए वहां पहुंचे। सेना प्रमुख जम्मू के नगरोटा में व्हाइट नाइट कोर मुख्यालय में एक महत्वपूर्ण सुरक्षा समीक्षा बैठक भी की। हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का आप लोगों में से बहुत लोगों ने अपना जवाब हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिख कर दिया था। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब दिया है उनके नाम है नुनू गोलू कुमार, नौशद राजा, मोहम्मद सकीर हुसैन, बाबूलाल मरांडी। अब बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, आपके क्षेत्र के सरकारी स्कूलों में पढ़ाई की स्थिति कैसी है? अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।